छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। दामाद। सुरजी, मैं मम्मी जी के काम से बाजार जा रहा हूँ। हाँ, अब बात सुने, कुछ पैसे वैसे हैं आपके पास? हाँ है, पैसे हैं। कितने चाहिए बोल? बस दे दो जितने भी है। ये ले। क्या याद करेगा तू ही बेटा, पूरे 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ। भिखारी समझा मुझे, ये ले। समझावा क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ ससुर जी, एक बार और भिखारी मत बोलना मुझे, मैं भी अपने कपड़े झाड़ दूँ ना, 100-200 तो ऐसे ही निकल जाएंगे। अबे ओ बावले, आजकल तो किसी भिखारी के कपड़े झाड़ो 1000-2000 गिरेंगे। मैं बता रहा हूँ ससुर जी, भिखारी नहीं बोलना मुझे। अब लड्डू लड्डू, तुम बाहर जा रहे हो? जी 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 बेगम। वो ना, मुझे ना आज आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो ला देता हूँ अभी। लाए पैसे दे। क्या, कैसे शोर हो तुम? तुम्हारे पास एक आइसक्रीम लाने के लिए पैसे भी नहीं है? पापा देख लीजिए इसे। बेगम आप तो जानती हैं, मैं नौकरी तो करता नहीं हूँ और मेरा कोई कारोबार भी नहीं है, मैं तो घर जमा दूँ ससुर जी की तरह। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, लाए। पापा आप भी ना बस ऐसे ही करते, यानी कि मेरा साथ दें। ये लो जाओ। 50 रुपए, इसका क्या आता है? हाँ तो क्या मतलब है, 40 रुपए की आइसक्रीम आएगी, जो बची तुम रख लेना, बस खुश है। हाँ जल्दी जाओ लाके दो, और हाँ चॉकलेट फ्लेवर लाना, वेट कर रही हूँ। अरे क्या भिखारी समझा हुआ मेरे को, भिखारी नहीं हूँ मैं। अच्छा बात सुनो, जो बचे ना पैसे आधे आधे हो जाएंगे। आधे तो कर लेंगे, खाना पकाए आ रहा हूँ मैं। जाओ आइसक्रीम लेके आओ। मैं तो जिम में आया था। और भाई लड्डू आइसक्रीम खाएगा? भाई ये सिर्फ आइसक्रीम सर्व कर सकता है, खा नहीं सकता। क्या मतलब है भाई, वेटर समझावा क्या मुझे? नहीं घर दामाद। बच्चों ये देखो, मेरे पास ना मेरी अपनी आइसक्रीम है, मैं तुम लोग की तरह रोड पे खड़े होकर आइसक्रीम नहीं खाता, मैं आराम से घर जाऊंगा, एसी चलाऊंगा, आइसक्रीम खोलूंगा, मजे ले लेकर खाऊंगा। चलो शाबाश। ये तो बता तेरी बेगम की है या तेरी? जी बेगम। वो जी हनी। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैं आइसक्रीम ले लिया, आप फिक्र नहीं करें, मैं पिघलने नहीं दूंगा। हाँ बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा बात सुन लड्डू, ये ले 10 रुपए मेरी तरफ से। ये 10 मेरी तरफ से पकड़, 20 रुपए पास से मिला और आइसक्रीम खा। अबे ये मुझे क्यों दे रहे हो, क्या भिखारी समझा हुआ है मुझे? नहीं नहीं वो तो तू है भिखारी, हमें तो यकीन है। अभी तुम देखो ये भिखारी तुम लोगों के साथ करता क्या है बेटा, एक मिनट दो मुझे अभी देखो, और तुम लोग मेरा कुंग फू देखो अभी, है ना, तुम लोग तो आइसक्रीम ही खाते रहोगे, अभी देखो करता क्या तुम लोग के साथ। ये भी वाला ले, ये वाला भी ले। भाग गए, जान से मार देता दोनों को आज में। अल्लाह करे मेरा काम हो जाए आज यार, बहुत दिनों से मेरा काम नहीं हुआ। ये लो फकीर मेरे लिए दुआ करना, बहुत दिनों से मेरा काम नहीं हो रहा है। अबे मैं फकीर नहीं हूँ, भाग यहाँ से चल। मम्मी सुनो, ये लो। भिखारी नहीं हूँ मैं। ऐसा नहीं बोलते, मैंने कब तुमको बोला कि भिखारी हो? तब मुझे भिखारी समझते। अच्छा अच्छा ये लो 500 रुपए। 500 रुपए? मगर भिखारी नहीं हूँ मैं। हाँ भिखारी नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मजबूरी में मांग रहे हो यार। अच्छा मैं चलता हूँ यार। बात सुनो, 1000 का नहीं था? आज बहुत मारा मैंने दो लोगों को, लेटे पड़े होंगे यहीं कहीं। अरे याद आया, सदके के पैसे अलग कर लूं, रास्ते में कोई भिखारी मिलेगा तो उससे दे दूंगा। सदका जरूरी है भाई, बलाओं को टालता है।
ए भिखारी बात सुनो भाई। अरे देखे ना। अरे तुम मेरा नाम भी जानते हो, इसका मतलब कि बहुत पहुंचे हो फकीर हो। नहीं मैं कोई फकीर या भिखारी नहीं हूँ प्यारी, मैं लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। सुनिए हाँ, मैंने वाकई नहीं पहचाना, माफी चाहता हूँ, मेरा भिखारियों में उठना बैठना नहीं है। अरे तब इससे बात करो, भिखारी लगता तुम्हें? अरे लगते क्या हो, तुम हो है हेलो, मांगनी भीख और करने नखरे, अजीब लोग होते हो तुम लोग भी यार। पकड़ो, वैसे भी मैं जल्दी में हूँ। अरे बात तो सुनो, मैं भिखारी नहीं हूँ प्यारे भैया, अगर दे दिए तो रख लेता हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने इतनी अच्छी बात बताई मुझे, वेरी गुड। एक काम करते हैं हम, फिर अच्छे से प्लान करते हैं, हम सब मिलेंगे। हाँ 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 सही है, डॉली मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, रुको। लड्डू ये क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ नहीं मैं ठीक हूँ। ओह मैं तुमसे नहीं अपनी आइसक्रीम से पूछ रही हूँ। आइसक्रीम का? हाँ कहाँ है, दो। वो तो वहाँ रोड पर पिचकी पड़ी हुई है। क्या तुमने ये क्या किया? देखो नानी मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उससे मेरा ही हाल हो गया और सारा सामान वहाँ भी कर गया, चक गया बल्कि। अच्छा लेकिन हालत से तो लग रहा है जैसे किसी ने बहुत मारा है तुम्हें। हाँ मारा ना मैंने दोनों को, जम जम के मारा, जमा जमा के मारा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी मानो तो तुम जाओ और जाके अपना हुलिया सही करो। तुम ना तुम बिल्कुल भिखारी लग रहे हो मांगने वाले। ए! भिखारी नहीं बोलना, भिखारी नहीं बोलना, नहीं बोलना। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जाओ जाके अपना हुलिया सही करो। भिखारी ना बोलना, हुलिया तो भिखारी वाला हो रहा है ना। मैं क्या करूं, मार के आया हूं, पिट के थोड़ी आया हूं। हां अबे ओ भाई ओ भीख मंगे हो, ये भिखारी हमारे घर में क्यों आए भाई? भिखारी नहीं बोलना, भिखारी नहीं हूं मैं आपका। लड्डू ये ओ हो, लगता है आज फिर तुमने किसी की तबीयत से धुलाई की है। आपको कैसे पता चला? छोड़ इस बात को, कैसे पता चला? देख बात सुन, ये हुआ कैसे ये बता। और ससुर जी मैं बताता हूँ आपको। हाँ। मैं निकला सौदा लेने के लिए। हाँ। वहाँ पे ना मुझे दो लड़के मिल गए। हाँ। उनसे होगी मेरी लड़ाई। हाँ। और मैंने दोनों को बहुत मारा। हाँ, बहुत मारा। तुमने? हाँ। यार इसमें जो सच्ची बात है वो बताओ, झूठ ना बोलो। उन्होंने मुझे बहुत मारा। ये हुई ना बात। एक फायदा हो गया मगर। क्या? वो ही है। हाँ। तो हजार रुपए कमा के लाया हूँ। अबे वाह 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 वाह। अरे मेरे पैसे छोड़ो छोड़ो जी, छोड़ो। मेरी मेहनत की कमाई है। अंदाजा हो रहा है तेरी कुटाई बड़ी तबीयत से हुई है। लड्डू एक आइडिया जहन में आया मेरे। क्या? देख अब तक तो तू मुझे आइडिया बताता रहा है। हाँ, बराबर। अब मेरे जहन में आइडिया आया, ये सुन ले। हाँ, बताए। ठीक है। अब इस आइडिया में ये बात है कि ये तेरे आइडिया की तरह फेल नहीं होगा। अच्छा? हाँ पक्का? पक्का। आजा मेरे पीछे पीछे, जैसा मैं करता चला जाऊं और कहता चला जाऊं वही करना है तूने, समझ गया? आजा चलो चलो आजा। गुलाम गुलाम जी 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 बेगम। पापा लड्डू कहाँ है? लड्डू किसी काम से गया नीचे। अच्छा भाई हम थोड़ी सी देर के लिए जरा बाहर जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। आप घर का ख्याल रखिएगा और सारे काम कर लीजिएगा। ये भी कोई कहने वाली बात है? मगर पापा आप और लड्डू दोनों घर पर ही रहिएगा। मैंने कहाँ जाना है, मुझे जब ये मेरे ससुर साहब रुख्सत करा के इस घर में लाए थे तो इन्होंने मुझसे यही कहा था कि बेटे अब इस घर से तुम्हारी लाश ही जाएगी। गुलाम वैसे आपको शर्म नहीं आती है?
अरे ये बात तो लड़कियों की रुख्सती के वक्त कही जाती है। जो रुख्सत होता है उसे कहा जाता है ऐसा। अब मेरे केस में तो मैं रुख्सत हो के आया हूँ ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, फालतू बातें ना करें, चलिए हटिए पीछे, हम जा रहे हैं। घर का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा घर पे रहिएगा पापा। अच्छा बेटा, अच्छा हनी बेटा, अच्छा खुश हो गए और हंस लें। आप भी इस घर में जब आए थे ना ब्याह के रुख्सत हो के, तो आप भी मर के ही निकले थे इस घर से। यार क्या मैं क्या करूं यार, क्या आओ। रुक जाए जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी अभी तो हम घर से बाहर निकले, और उससे पहले तो हम सो रहे थे, उससे पहले नाश्ता कर रहे थे। जी मैं इंस्पेक्टर जलाल शेख, आपका मोहल्लेदार हूँ। अच्छा अच्छा, आपने तो शेड्यूल ही बताना शुरू कर दिया ना। ये तो कुछ भी नहीं जी, पुलिस को देख के तो लोग अगला शेड्यूल भी बता देते हैं। वैसे ये बताएं कैसे आना हुआ? जी काफी अरसा हो गया था आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, मैंने कहा चलो आज आप नजर आएंगे तो मुलाकात कर लें। बहुत अच्छा किया आपने, आप आइए ना किसी दिन भाभी को लेके हमारे घर। अब्बा जी क्या बताएं, आजकल मसरूफियात बड़ी है ना, वो भिखारियों के खिलाफ क्रैक डाउन चल रहा है, बस उन्हीं की पकड़ दकड़ में लगे हुए हैं। क्या कितनी बुरी बात है ना, आप खुद सोचें, अपने ही लोगों को पकड़ना, कितनी बुरी बात है। तौबा तौबा तौबा। ना क्या मतलब है तुम्हारा? अब कुछ नहीं, मामा हमें देर हो रही है, चलिए। अच्छा हम जा रहे हैं, आप आइएगा भाभी को लेकर किसी दिन हमारे घर। चलें चलें, कुछ भी नहीं। हाँ अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। आप क्या छुप छुप के देख रहे हैं? अरे जाएं, दूर जाके खड़े हो। क्या हो गया? ऐसा नहीं जाऊंगा मैं, अरे पागल दो बता रही क्या। हर भिखारी के साथ उसकी निगरानी करने वाले पहले मौजूद होते हैं, हिसाब किताब रहता है भाई। अल्लाह को माने, जब इतना पता है ना तो साथ चिपक के भी नहीं खड़े होते, दूर से देखते हैं, वहाँ दूर जाके खड़े हो जाएं, चले जाएं। हाँ यार ये बात है, वहाँ चले जाएं, दूर वहाँ जाके खड़े हो जाएं। ठीक है, नजर रखे हुए हूँ मैं। अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम, अल्लाह पप्पू। पप्पू नाम नहीं है ना, जाओ यहाँ से, काम करने दो, धंधे का टाइम है। हाँ काम ही तो कर रहे हैं, ये हमारा काम ही तो है जो हम काम कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो उल्टी सीधी। पप्पू, अरे पप्पू नहीं, लड्डू नाम है मेरा, लड्डू। हाय हाय, हमारे साथ चला चल, तुझे लड्डू से लाडो बना दूंगा। क्या बदतमीजी है यार, तमीज से बात करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चलो भी, चलो भी, जाओ यहाँ से, चलो। हाय कमबख्त महाराजा। भाई हो बहन, परेशान कर रही भाई। हाय हाय, मैं परेशान क्या कर रही हूँ, मैं तो लड्डू को मशवरा दे रही हूँ, लाडो को। लाडो? अबे लड्डू, तूने नाम भी बदल लिया यार। आहा, नाम क्या, मैं तो इसको पूरा बदल दूंगी, चीसा लाड़ा है इंशाल्लाह, देख लियो कड़क करा जा तू। आए, 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 तमीज से भाई, तमीज से, हम लोग सीधे साधे भिखारी हैं। हाय हाय, सच के जाओ तेरे, अगर तेरी मूछ उतार दे तो हमारा गुरु लगेगा, गुरु। गुरु? बदतमीजी नहीं करो, बदतमीजी नहीं करो भाई। सोच, पूरे मार्केट का भीख जो हम खुद खा जाएंगे, ये लाडो, मैं गुलाबो, तू गुरु। अरे गुरु यही है भाई, आजा भाई, आजा गुरु भाई, आजा गुरु, आ गुरु। बच गए, बैठ जा, बैठ जा लड्डू, बैठ जा। अबे कहाँ फंसा दिया यार, कहाँ फंसा दिया? अरे ससुर जी, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, एक वक्त को तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि मैं लाडो हूँ या लड्डू। मुझे देखो उसने, अबे खाना खाए में गुरु बना दिया यार। खैर छोड़े, पैसे गिनते कितने हो गए। हाँ यार, अरे यार कितने हो गए, वाह वाह वाह, मजे आ गए। अरे वाह 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 वाह, अल्लाह के नाम पे दे दे बाप। माफ करो बाबा, गुलाम साहब। गुलाम साहब, आप किसी भिखारी के साथ घूम रहे? भिखारी नहीं हूँ, लाडो हूँ मैं, लाडो। ओ नहीं, मेरा मतलब है मैं लड्डू हूँ, लड्डू। अरे वाकई, ये तो अपना लड्डू है, ये लड्डू इतना पिचक कैसे गया? यारे मियां, हालात ने पिचका दिया मुझको। अब यार आप आ ही गए हो ना, तो इस बेचारे को कुछ दे दो, तानी बेगम ने इसको ठुड्डे मार के घर से निकाल दिया है। अरे क्या दे दूं, थोड़ी देर पहले तो मैंने भीग दी इसको, अब मैं किसी और को भीग दूंगा। हाय हाय गुरु, मिल गए। अच्छा हुआ तुमने अपने टीम में एक प्लेयर का इजाफा कर लिया, जितने प्लेयर हो टीम में उतना अच्छा है, खुसरो की टीम बढ़े ना। अरे भाई बात सुनो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ यार, मैं कह चुका हूँ। तुम बोलो ना बोलो, मैंने तो जान बना लिया बस।
अच्छा गुलाम साहब, अब मैं समझा यहाँ पे क्या चक्करबाजी चल रही है। समझे को छोड़ ला दो, है खैरात दे, अल्लाह के नाम पे दे बाबा, बस कर दे, दे बाबा, अब इसका हक है, लो भाई लड्डू को दे। लो भाई बात सुनो, है गुरु जी क्या? ये भाई मैं गुरु हूँ तुम्हारा, मैं जमा करूंगा। हाँ सही है, रात को मैं तुमसे हिसाब ले लूंगी गुरु का। चलो सब मिल के मांगते। बात सुनो, तुम जाओ सामने, तुम वहाँ खड़े होके मांगो, हम लोग यहाँ खड़े होके मांग रहे हैं। मैं सामने तुम आमने, आमने सामने, आमने सामने, वहाँ खड़े जाओ, जाओ मिल के मांग रहे तो अच्छा टाइम निकल रहा है यार। अच्छा जा रही हूँ, हिसाब रखना सही से। ससुर जी आप यहाँ क्यों खड़े, आप भी जाए ना, वैसे ही लोगों ने इतना वक्त खराब कर दिया, धंधे का टाइम है, चलो जाओ। मैं सामने निगरानी कर रहा हूँ, देख लो धंधा खराब नहीं करो मेरा। ए अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। चूहे बिल्ली का है खेल, आज के हो जाए आजाद। घर दामाद के घर दामाद। अल्लाह के नाम पे बाबा, कोई है जो गरीब की मदद करे, अल्लाह के नाम पे देता जा बाबा, अल्लाह तेरी नमाजें कबूल करे बाबा। ए बाबा अल्लाह के नाम पे दे जा, गरीब को 10 का नोट। बाबा 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 बाबा, अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा। ए बाजी बाजी दे दे अल्लाह के। लड्डू तुम? अरे कौन लड्डू, मैं तो लाडो हूँ, लाडो लाडो हूँ मैं, लाडो 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 मामा, ये तो लड्डू जैसा। अरे लाडो किधर जा रहा है, कच्चा धुआं छोड़ के तू इधर आ जा लाडो। अरे यार तुम मुझे छोड़ के आ गए यार वहां पे यार। तो और क्या करता, मम्मी जी ने और हानी ने मुझे भीख मांगते हुए देख लिया था। हाँ यार, इसीलिए तो मैं भी वहाँ से शॉर्टकट भागता हुआ यहाँ आ गया। और यार ये तुमने अच्छा किया कि तारी बेगम के आने से पहले ये तुमने अपना हुलिया बदल लिया यार। लड्डू तुम यहाँ? जी मम्मी जी मैं यहाँ। हाँ। क्यों मुझे कहीं और होना चाहिए था क्या? मगर लड्डू मैंने तो तुम्हें वो वहाँ पे सड़क में। अच्छा ना, बस बस, हो सकता है कि हमारा वहम हो। और ये आप क्यों इतने हांफ रहे हैं, कहाँ थे आप? वर्जिश कर रहे थे, जॉगिंग जॉगिंग। वर्जिश? अरे अपनी उम्र देखिए, इस उम्र में हड्डी पसली ना तोड़वा लीजिएगा वर्जिश करके। ये बताएं कि सारे घर का काम हो गया या नहीं हुआ? घर के सारे काम कर दिए मैंने, और वो जो कल के काम थे आने वाले कल के वो भी कर दिए मैंने। और मम्मी जी मैंने भी अपने हिस्से के सारे काम कर लिए, तभी तो बैठ के फुर्सत से टीवी देख रहा हूँ। और मैंने ससुर जी को कहा थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, कसरत कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अरे जलाल साहब आप यहाँ कैसे, क्या कहिए क्या बात है? जी मैंने आपसे कहा था ना कि आजकल हम भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। हाँ तो ठीक है, मगर आप यहाँ क्यों आ गए, यहाँ आपको कौन से भिखारी मिलेंगे? जी यही मौजूद है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी बताता हूँ, आ जाए जी। हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। अरे जलाल साहब ये क्या किया आपने, भाभी को बाहर ही छोड़कर आ गए थे। आइए आइए भाभी, तशरीफ रखिए आप। अरे कैसी बातें कर रही हो, थाने से आके कोई तशरीफ रख सकता है? और ये भी बड़ी लावाली है, मुझे लेके गए मरी हनीमून के लिए, वहीं छोड़ के आ गए। ये मेरी बीवी नहीं है, ये भिखारी है, भिखारी। ओह सॉरी जलाल साहब, मगर आप इस भिखारी को फिर यहाँ क्यों लेकर आ गए? बता ना कौन सा ग्रुप है तेरा। बता रही हूँ साहब, क्या हो गया तुम्हारे को, यही हमारा पूरा गुरु जो भीख मांगते हम। मैं हूँ गुलाबो, ये है लाडो, और ये हमारा गुरु है। सत के जाओ। गुलाब लड्डू चल रहा है, लाडो उठो इधर से। और तू गुरु? नहीं मैं गुरु नहीं, किसने कहा, मैं झूठ बोल रहा जो भी कह रहे। अच्छा? देखिए हवालदार साहब। ओए मैं हवालदार हूँ? कामयाबी आपके कदमों तले, और मुश्तरी और जोरा हमेशा के लिए ऐसी खुशी रहने लगेंगे। क्या फिल्मी कहानी है मेरी कामयाबी की। आप दोनों को लखपति बनाने का तरीका है मेरे पास।
अगर कुरानदाजी में नाम नहीं निकला तो फीस वापिस हो जाएगी। तो क्या स्कूल में एडमिशन लिया है क्या? जितने पैसे चाहिए मुझसे ले ले, लेकिन नाम मेरा ही निकलना चाहिए। हाँ, मेरी तो शादी होने वाली, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। अरे कभी तो शौहरों का पीछा छोड़ दो भाई। ये मरीज पे जाएंगे कैसे? आप लोगों का कितने जहाजों से वास्ता है, है? कभी सिग्नल पर, कभी किसी पुल के नीचे, किसी पर भी बैठ के निकल जाइएगा। वो गाड़ी कहाँ जो मुझे भेज दो, तुम गाड़ी कहाँ है वो? ये स्काईलैप है, यही तो गाड़ी है। तो आपका अगला मिशन प्लान क्या है? हमारा अगला मिशन होगा, मिशन है सूरज। गधे लाने के अलग से पैसे दिए या गधे पहले से यहाँ मौजूद हैं? गधे तो यहाँ पहले से ही मौजूद है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां।